हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया हो ना? वेरी गुड। जैसा कि आप सब जानते ही हो कि आजकल टेक्स्ट बुक के लेसन्स के साथ साथ हम लोग लाइफ स्किल्स भी पढ़ रहे हैं, जिससे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। लाइफ स्किल्स मतलब जीवन कौशल। ठीक है, तो आज जो लाइफ स्किल हम पढ़ेंगे उसका नाम है हाउ टू टेक केयर ऑफ प्लांट्स, वेस्ट सेग्रीगेशन एंड ग्रीन कंपोस्टिंग। मतलब पौधों की देखभाल कैसे करें, कूड़े को अलग कैसे करें व हरी खाद कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है, इम्पोर्टेंस ऑफ प्लांट्स इन अवर लाइफ। तो आप सब जानते ही हो पौधे हमारे लिए कितने इम्पोर्टेंट हैं। प्लांट्स से हमें फूड मिलता है, हमें भोजन मिलता है, उनसे हमें ऑक्सीजन मिलती है जिससे हम सांस ले पाते हैं। प्लांट्स रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स से हमें मेडिसिन्स दवाइयाँ मिलती हैं। पौधों की जड़ों की वजह से फ्लड्स को मतलब बाढ़ को रोका जा सकता है। तो जब प्लांट्स हमारे लिए इतने ज़रूरी हैं तो यह भी बहुत ज़रूरी है कि हम उनकी देखभाल करें। तो अब हम यह जानते हैं कि पौधों की देखभाल कैसे की जा सकती है, हाउ टू टेक केयर ऑफ प्लांट्स। तो सबसे पहले पौधों को एक दो पौधों के बीच में उचित दूरी होनी चाहिए। दूसरा, पौधों की मिट्टी में गुड़ाई करते रहना चाहिए जिससे पौधों को खनिज मिल सके। पौधों को फूलों को पत्तियों को तोड़ना नहीं चाहिए। पौधों को समय समय पर पानी देना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना चाहिए क्योंकि ज़्यादा पानी देने से पौधे सड़ जाते हैं। पौधों में हमें मेन्योर यानी खाद कंपोस्ट भी डालते रहना चाहिए जिससे पौधों की ग्रोथ अच्छी होती है। तो अब हम एक छोटा सा वीडियो देखेंगे जिसमें आपको पौधों के महत्व और उनकी देखभाल कैसे की जा सकती है उसके बारे में बताया जाएगा। प्यारे प्यारे हरे हरे पेड़ पौधे हम मित्र भले, परम मित्र हम और आप, परम मित्र हम और आप, हमें भी करो प्यार दुलार। धूप पानी खाद हमें भाए, धूप पानी खाद हमें भाए, हम भी फिर खिलते हरे हरे हो जाए, हम भी फिर खिलते हरे हरे हो जाए। साफ हवा फल फूल तोहफे हम लाए, साफ हवा फल फूल तोहफे हम लाए। प्यारे प्यारे हरे हरे पेड़ पौधे हम आपके मित्र कहलाए, हम आपके मित्र कहलाए। अब जितना ज़रूरी हमारे लिए पौधे हैं उतने ही खतरनाक हमारे लिए प्लास्टिक है। प्लास्टिक हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत डेंजरस है, हमारे वातावरण के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसलिए आपको बार बार समझाया भी जाता है से नो टू प्लास्टिक, प्लास्टिक का इस्तेमाल मत कीजिए। तो देखिए, आपके जैसे ही छोटे छोटे बच्चे प्लास्टिक ना यूज़ करने के लिए एक आपको डांस दिखा रहे हैं। कसम ये खाए रे, टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए, टिक 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 टिक। कसम ये खाए रे, टिक 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 टिक, प्लास्टिक टिक ना पाए। बहती सी नदियां कहां ये पानी रुक जाएगा,
घरों में प्लास्टिक को कैसे यूज़ कर सकते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स से बच्चों ने पॉट्स बनाए हुए हैं जिसमें छोटे छोटे पौधे लगाए हैं। ऐसे ही आप घर के अंदर बहुत सारी वेस्ट चीज़ें होती हैं आपकी, जैसे ये जूतों में पौधे लगा रखे हैं, पुराने जूते हो जाते हैं, हम उठा के फेंक देते हैं। किसी ने सोचा है कि हम उन जूतों में पौधे भी लगा सकते हैं? तो इस तरह से आपके घर में जो भी वेस्ट चीज़ें हों जिसमें आप सोच सकते हो कि पौधे लगाने हैं, उसमें आप प्लांटेशन कीजिए। घर में और किस तरह की चीज़ों को इस्तेमाल करके प्लांटेशन में यूज़ किया जा सकता है, उसका एक वीडियो आप यहाँ देख सकते हैं। हमारे घरों में बहुत सारी वेस्ट चीज़ें होती हैं जिन्हें हम लोग फेंक देते हैं, लेकिन अब देखिए यहाँ पर हम लोगों ने किस तरह से वेस्ट चीज़ों में पौधे लगाए हैं। जैसे कार के टायर्स में, टिन के डब्बों में, कांच की बॉटल्स में, प्लास्टिक की बॉटल्स में, प्लास्टिक की बाल्टी में। तो इस तरह से आप इन खाली वेस्ट चीज़ों में पौधे उगा सकते हैं। अब हम देखेंगे वेस्ट सेग्रीगेशन, मतलब गीले कूड़े और सूखे कूड़े को कैसे अलग किया जाए। यह तो आप जानते ही हो कि गीला कूड़ा हरे डस्टबिन में डाला जाता है और सूखा कूड़ा नीले डस्टबिन में डाला जाता है। अब आप देखेंगे एक छोटा सा वीडियो जिसमें एक पोयम के थ्रू आपको ये बताया जा रहा है कि हमें कूड़ा किस तरह अलग करना है। एक दो करे सफाई, कूड़े तेरी शामत आई, तीन चार मिलकर करे प्रयास, स्वच्छ भारत की बारी आई, पांच छह गीला सूखा कचरा अलग अलग, गीला सूखा कचरा अलग अलग, नीला हरा डस्टबिन होगा घर घर संग संग, सात आठ हम सबके जिम्मेदारी, स्वच्छता की लहर चली आई, नौ दस प्यारा न्यारा देश हमारा, स्वच्छ भारत यही प्रयास हमारा, स्वच्छ भारत यही प्रयास हमारा। अब हमारे जीवन कौशल का सबसे आखिरी पार्ट, ग्रीन कंपोस्ट, हरी खाद बनाना। बच्चों यह बहुत ही आसान है, इससे आप अपने घर में खुद भी बना सकते हो। तो चलो ग्रीन कंपोस्ट कैसे बनाते हैं हम उसको बनाने का तरीका देखते हैं। नमस्कार, मैं आज आपको रसोई के कचरे से, जिसमें कि प्याज, ये सब्जियों के छिलके, फ्रूट के छिलके, अंडे के छिलके, उन सबसे ग्रीन खाद बनाना सिखाऊंगी। हरी खाद जिसको कहते हैं, ऑर्गेनिक खाद कहते हैं, वो मैं आपको बनाना सिखाऊंगी, ठीक है। ये देखिए मेरे हाथ में घर का रसोई का कचरा है, जो कि मैं, जिसमें चाय की पत्ती, मौसमी के छिलके, प्याज के छिलके, अंडे के छिलके, सब कुछ है। तो मैं इसको इस एक बाल्टी में डाल दूंगी जिसमें ऑलरेडी मैंने पहले भी डाल रखा है, और इसके साथ मैं थोड़ी सी मिट्टी भी मिक्स कर दूंगी, और इसको तो ऐसे मैं मिक्स कर दूंगी, इसको हम इस तरह मिक्स कर देंगे और फिर इसे ढक के रख देंगे, और एक महीने तक हमारी खाद ऐसे बन जाएगी जैसे कि मैंने पहले ही बना रखी है। ये देखिए एक महीने तक मेरी ऐसी खाद बन जाएगी। ग्रीन कंपोस्ट के बहुत सारे फायदे हैं, लेकिन सबसे ज़रूरी दो फायदे कौन से हैं? एक तो ग्रीन कंपोस्ट हमारे पौधों के लिए बहुत ही अच्छी खाद होती है, और दूसरा ग्रीन कंपोस्ट बनाने की वजह से आपकी रसोई का गीला कचरा, गीला कूड़ा कम हो जाता है। तो इसका मतलब आपने अच्छी खाद बनाई अपने पौधों के लिए और आपने अपने घर का कचरा भी कम किया। तो बच्चों आज की लाइफ स्किल्स के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपने इस वीडियो को खूब इंजॉय किया होगा। थैंक यू, आज आपका दिन शुभ हो। बाय बाय।